नमस्कार दोस्तों, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर आप विज्ञापन संख्या भी देख सकते हैं, 2/2019 के लिए यह विज्ञापन यहाँ पर जारी हुआ है। और विज्ञापन जो जारी हुआ है वो प्रवर्तन अवर निरीक्षक के लिए यह विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पर जो आपको वेतन है वो लेवल 6 का यानी कि 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये यहाँ पर वेतन दिया जाएगा। कुल रिक्तियाँ 212 यहाँ पर निकाली गई हैं। 212 पदों के लिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर यहाँ सिलेक्शन सभी अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, जहाँ पर 200 अंकों की परीक्षा यहाँ पर करवाई जाएगी और कुल 100 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। कम से कम 30% अंक लाना यहाँ पर अनिवार्य होगा और 20 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए, ठीक है। उसके बाद जो मुख्य परीक्षा है वो भी सेम होगी, 200 अंकों की 100 प्रश्न होंगे, तो 2 चरण के यहाँ पर आधार पर सिलेक्शन होगा। और दोनों चरणों में आपका माइनस मार्किंग होगी यानी कि 0.2 अंक काटे जाएंगे, तो ये याद रखें। शारीरिक दक्षता की अगर यहाँ पर हम बात करें तो पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर। सीना अगर बात करें तो केवल पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 फुलाने के बाद 84 होना चाहिए कम से कम, ठीक है। पैदल चलने की क्षमता यहाँ पर मांगी गई है, पुरुषों के लिए 4 यहाँ पर आपको घंटे में 25 किलोमीटर चलना है, महिलाओं के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर यहाँ पर आपको चलना है, ठीक है। साक्षात्कार के द्वारा यहाँ पर फिर उसके बाद आपका साक्षात्कार किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो मेगा सूची है वो तैयार की जाएगी और उसके आधार पर सभी अभ्यर्थियों का यहाँ पर सिलेक्शन लिया जाएगा। उम्र सीमा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी उम्र सीमा के बारे में जो बताया जा रहा है, उम्र सीमा की गणना 1/8/2019 के आधार पर यहाँ पर की जाएगी। और यहाँ पर देख पा रहे हैं 1/8/2014 को संरचना द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हुए उम्र सीमा के आधार पर आवेदन पत्र यहाँ पर भरे जाएंगे। तो कैसी उम्र सीमा होगी? उम्र सीमा यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आप सामान्य और आर्थिक कमजोर वर्ग के पुरुष हैं तो आप 21 वर्ष से 42 वर्ष, पिछड़ा वर्ग आपके 21 वर्ष से 45 वर्ष, और अनारक्षित समान कोटि आर्थिक रूप से कमजोर 21 से 45 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 21 वर्ष से 47 वर्ष तक के अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अगर यहाँ पर पदों की संख्या जो मैंने बताई है 212, उनको यहाँ पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़े वर्गों की महिलाएं अनारक्षित सामान्य में डिवाइड किया गया है, जो कि आप आरक्षण वाइज सभी पदों को यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार से आरक्षण को यहाँ पर डिवाइड करके सीटें उसी हिसाब से आरक्षण यहाँ पर दिया जाएगा, आरक्षित जो व्यक्ति यहाँ पर रहेंगे उसी प्रकार से आरक्षण जो आयु सीमा में छूट है उसी के आधार पर यहाँ पर मिलने वाला है। अगर ऑनलाइन आवेदन पत्र की बात की जाए तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन आप देख पा रहे हैं 3/12 यानी कि 3 दिसंबर 2019 मंगलवार से ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर आप कर पाएंगे, और आवेदन आप कर सकते हैं 6 जनवरी 2020 तक यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। www.bpssc.bih.nisc.in पर जाकर या ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप उस पेज पर पहुँच जाएंगे जहाँ से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। अब जो अभ्यर्थी आवेदन करने के, तो भैया कुछ ना कुछ तो फीस आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर है, सामान्य वर्ग सभी महिलाएं पुरुष जो भी हैं सबको यहाँ पर 700 रुपये आपको देने ही पड़ेंगे। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है तो आप 400 रुपये यहाँ पर देकर अपना काम चला सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो पेमेंट है ये आप ऑनलाइन करेंगे, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसी माध्यम से आप पेमेंट कर पाएंगे। और लिंक सेम है, www.bpssc.bih.nic.in पर जाकर आप ऑनलाइन पेमेंट भी यहाँ पर कर पाएंगे, जहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी जो आपकी रहेगी, मोबाइल नंबर वगैरह, ये सभी चीज़ें आप एकदम क्लियर और एक्टिव डालिएगा जिससे आपको सभी चीज़ें यहाँ पर प्राप्त हो सके। अब आवेदक जो अपना नाम वगैरह लिखेंगे वो हाई स्कूल की मार्कशीट की आधार पर ही सभी चीज़ें आप डालिएगा, जिससे किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। आपके जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे तो उस समय कोई भी गलती यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। तो ये देखिए आयु जो तालिका है निम्न आयु की और अधिकतम आयु की पुरुष महिला आरक्षण वाइज, तो यहाँ पर आप डिटेल से देख पाएंगे। और ये देखिए
जो अधिकतम है वो भी यहाँ पर दी गई है, और भी डिटेल्स इस पीडीएफ फाइल में आपको मिल जाएगी, क्योंकि इस पीडीएफ फाइल में मैंने इस पीडीएफ फाइल का जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिससे आप डिटेल से इसके बारे में पूरा यहाँ पर डिटेल्स निकाल सकेंगे, और भी अन्य पदों के लिए भी, और पूरी डिटेल्स यहाँ से आपको मिल जाएगी। तो फिलहाल आवेदन करने के लिए जो एक डिटेल्स या बेसिक चाहिए रहेगी वो मैंने आपको बता दी है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आई, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, इस भर्ती से संबंधित या कुछ और पूछने के लिए आपको रिप्लाई दिया जाएगा। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा सकते हैं आप। इसी तरह के अगर आप लेटेस्ट जॉब देखना चाहते हैं।